जमा खान बीएसपी से जीते लेकिन जेडीयू में शामिल हो गए और अब मंत्री भी बन गए हैं। ये बताइए कि बीएसपी से आप जीते फिर तुरंत जेडीयू में आ गए, मंत्री बने, तो जाहिर है कुछ तरह की बात हुई होगी नीतीश कुमार से? ऐसा कुछ बात नहीं था। जब मैं चुनाव मैदान में गया था, मैं 3 बार चुनाव लड़ा, 3 बार चुनाव में हारा हूँ, संघर्ष किया हूँ। चूंकि मेरा कोई विरासत नहीं है, राजनीतिक विरासत नहीं था, मैं किसान का पक्का किसान बेटा हूँ। मेरे पिताजी बैठे हैं, पक्के किसान हैं, उनका मैं बेटा, वहाँ मैं बेटा था, तो मैंने वादा किया क्षेत्र का विकास करूँगा। मैं भी वादा किया था कि मैं जीत के जेडीयू में चला जाऊंगा। नहीं, मैंने ये नहीं, उनसे मतलब वादा क्या करना है, तो अपने हिसाब से काम करना है ना, विकास करना है तो अपने हिसाब से करना है। जनता हमको देकर वोट दी, जनता ने समान पूरी बात सुनिए तो मान सम्मान दी। मैं बीएसपी से लड़ा, 1 लाख वोट पाया, सिर्फ बीएसपी का वोट नहीं, सारे समाज का वोट था, सारी पार्टी का वोट था। इससे पहले भी बीएसपी लड़ती थी, कोई मतलब नहीं था। विधायक के तौर पर विकास नहीं हो सकता था आपको? नहीं हो सकता, कैसे हो सकता था? मंत्री बिना बिना विकास नहीं होता। मंत्री नहीं, सरकार में मंत्री क्या मतलब होता है यार, सरकार में सरकार। चलिए, क्या लग रहा है कि अल्पसंख्यक कोई चेहरा जीता नहीं जेडीयू से, तो अब आपको क्या लग रहा है, आपके भरोसे ये जेडीयू के साथ अल्पसंख्यक जुड़ेंगे आप? अब देखिए क्या होता है, आप देखिएगा ना, हम क्या बताएं अपने मुंह से। और एनडीए की सरकार को लेकर क्या लग रहा है कि बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक रहेगा? हमें तो लगता है मेरे भाई, अब तो आप ज्यादा जानिएगा, हम तो नए बेबी की हैं, आप ज्यादा जानते हैं भाई। अब अपना पूछबे करिएगा आदमी, अभी तो नया नया मैं बता ही दिया कि मेरा मात्र विकास है। बीएसपी अकेले थी, क्या कर लेती, पूछ रहा हूँ, बोलो बीएसपी क्या कर लिए, अगर विकास करना चाहिए 1 लाख कहाँ से मिला, आपको भी सोचना चाहिए। पत्रकार तो नाराज हो गई होंगी ना? कोई नाराजी नहीं है, विकास से पहले भी लोग गए हैं, विकास के लोग गए हैं, यहाँ मैं अकेला क्या करता, कौन सा हमारा विधायक पैदा होता, नहीं हो पाता ना। एलजेपी वाले वो नहीं आए, वो भी अकेले थे, उनसे नहीं, हमारी अपनी बात कर रहा हूँ, तो आप तो यही बातें घुमा करेंगे, कौन बात करें। ठीक है, ये जमा खां है बीएसपी से, कैमूर की चैनपुर सीट से जीते थे लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था उसके ठीक पहले जेडीयू में शामिल हो गए और जाहिर है मंत्री भी बन गए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।